तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इसरो SHFC रिक्वायरमेंट 2024 के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसरो की तरफ से एक बड़ी पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसका आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे, जो आपके लिए आवेदन फॉर्म भरने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि यहाँ पे इसरो की तरफ से वैकेंसी ऑप्टिमाइज किया गया। दोस्तों वेरियस पोस्ट, अलग अलग पोस्टों पर भर्ती निकाली गई, देख सकते हैं टोटल 99 पदों पर भर्ती निकाली गई। पोस्ट वाइज आपको सैलरी मिलेगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों 19 सितंबर 2024 से आवेदन शुरू हो चुका है, 9 अक्टूबर 2024 चलने वाले हैं। एप्लीकेशन फी के बारे में बात की, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यहां पे देख सकते हैं अपडेट किया जाएगा। दोस्तों एससीएसटी पीडब्ल्यूडी कमिटी बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं वैकेंसी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट बताया गया, जो आपका 18 से लेकर 28 वर्ष या फिर 30 वर्ष 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दोस्तों 1/8/2024 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया गया। दोस्तों जो टेक्निकल बी के पद पर इसमें 43 वैकेंसी है। दोस्तों 10वीं पास प्लस ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बाकी यहाँ पे अदर पोस्टों के लिए अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की, रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आगे अप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया, दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो आप वीडियो अंत तक बने रहिए। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको इसरो का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। दोस्तों इसी साइट के माध्यम से आप आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों आपको सिंपली नीचे आना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं सभी वैकेंसी का डिटेल आपको शो किया जाएगा। यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं दोस्तों। और जिस भी भर्ती के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल बी के पोस्ट की भर्ती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं सिंपली, अगर आप इस साइट के माध्यम से पहले भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली रजिस्ट्रेशन यहां पे कर सकते हैं। दोस्तों तो आपको यहां पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन वाले पेज खोलना है और यहाँ पे पोस्ट का डिटेल शो किया जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल बी के पोस्ट पर इसमें वैकेंसी निकाली गई, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए और अलग अलग पोस्ट पर भर्ती निकालेंगे तो आप जिस भी पोस्ट के लिए भर्ती लिए आवेदन करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट का आपको फुल नेम डालना होगा, तो सिंपली कैंडिडेट का आपको फुल नेम डालना होगा। यहाँ पे बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म करना है, देख सकते हैं एड्रेस डालना, ईमेल एड्रेस डालना, जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल और फोन नंबर पर ओटीपी जाएगा। दोस्तों उसमें यहाँ पे कैप्चर फिल करना, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कैप्चर फिल करके री वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही री वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपने जो डिटेल भरे होंगे दोस्तों, आपको सभी जानकारी यहाँ पे शो किया जाएगा। री वेरीफाई के माध्यम से नीचे यहाँ पे सभी जानकारी शो किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे चेक करते हुए सभी जानकारी को यहाँ पे चेक करना है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गो टू अप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही गो टू अप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने अप्लीकेशन का पेज लोड लेगा। दोस्तों इसे लोड होने दीजिए, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आना होगा और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट जमा करना होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। तो सिंपली आपको एप्लीकेशन नंबर शो की जगह जेंडर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होगा। सिंपली डे मंथ ईयर यहाँ पे कैलेंडर से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं नेशनलिटी आपको बताना होगा, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो सिंपली जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फादर्स नेम लिखना होगा दोस्तों, मदर्स नेम यहाँ पे डालना होगा, मैरिड स्टेटस आपको बताना होगा, मैरिड है या अनमैरिड है जो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, रिलीजन आपको बताना होगा हिंदू मुस्लिम जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर शो की जगह आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना होगा दोस्तों, सिटी का यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा उस सिटी का यहाँ पे प्रेफरेंस देना होगा। तो आप जिस भी सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, 3 सिटी का यहाँ पे प्रेफरेंस देने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंपली आप एक एक करके अपने नज़दीकी सिटी का यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं दोस्तों अपनी सुविधा के अनुसार। यहाँ पे प्रेफरेंस देने के बाद आपको बैंक का डिटेल यहाँ पे डालना है। सिंपली यहाँ पे बैंक अकाउंट का होल्डर नेम डालिए दोस्तों, बैंक नेम डालिए, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, यहाँ पे पेमेंट वगैरह यहाँ पे रिफंड किया जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल मांगा जा रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पे डिटेल को
फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट सर्विस मैन इतिहास कीजिए नहीं सिंपली नो। उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन है इतिहास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है इतिहास नहीं तो सिंपली सेवन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सेवन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको एड्रेस लाइन आएगा दोस्तों। लाइन वन लाइन टू को मिलाकर फुल एड्रेस का आपको जानकारी देना होगा विलेज या सिटी के अनुसार जहाँ भी रहते हैं। कंट्री सेलेक्ट कीजिए स्टेट आपको सेलेक्ट करना है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं सिंपली अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। सिटी आपको सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट अपने एरिया का पिन कोड डालिए। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस कर दीजिए नीचे ऑटोमेटिक सेम फिल हो जाएगा। अलग है तो नो कर अलग टाइप कर सकते हैं। उसके बाद सेव कीजिए ओके कीजिए। आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल आएगा जिसमें मैट्रिक का इन्फॉर्मेशन भरना होगा तो सिंपली पासिंग ईयर आपको बताना होगा किस वर्ष आप यहाँ पे पास किए हैं किस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं यहाँ पे स्कूल इंस्टीट्यूट से कॉलेज से पास किए नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको फॉलोइंग सेलेक्ट करना होगा परसेंटेज या सीजीपीए परसेंटेज सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार सीजीपीए सेलेक्ट करते हैं या परसेंटेज तो जो भी सेलेक्ट कीजिएगा उसी के अनुसार आपको यहाँ पे देना होगा। टोटल मार्क डाले या ऑप्टेंट मार्क डालिए यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट कर लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप परसेंटेज में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली परसेंटेज में मिलेगा जानकारी भरने को और सीजीपीए में करते हैं सीजीपीए में मिलेगा। सिंपली परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए तो मार्क आपको ऑप्टेंट मार्क कितना मार्क आया था ये बताना है फुल मार्क कितना था यहाँ पे परसेंटेज काउंट किया जाएगा। उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का जानकारी भरना होगा दोस्तों किस बोर्ड से पासिंग ईयर इंस्टीट्यूट नेम सब्जेक्ट बताना होगा। यहाँ पे फॉलोइंग सेलेक्ट कीजिए परसेंटेज या सीपी ऑप्टेंट मार्क मैक्सिमम मार्क बताइए। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री का जानकारी भरना होगा जिस भी यहाँ पे पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं उसी के अनुसार मांगा जाएगा। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने अनुसार यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फिल कर दीजिए। अगर आप अलग पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। सभी जानकारी को फिल करते हुए आपको यहाँ पे देख सकते हैं सेवन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सेवन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपको फोटो अपलोड करना है सिग्नेचर अपलोड करना है सिंपली साइज वगैरह मेंशन किया गया फोटो का चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर फोटो सिग्नेचर का यहाँ पे साइज अपलोड कर सकते हैं। टेंथ का मार्कशीट ट्वेल्थ का मार्कशीट यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली अपलोड कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप अलग पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको अलग यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा जो भी जानकारी भरे होंगे उसी से रिलेटेड यहाँ पे दस्तावेज देखने को मिलता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे सभी फाइलों को अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने के लिए बोले जा रहे हैं साइज वगैरह मेंशन किया गया है साइज के अनुसार आप यहाँ पे सभी फाइलों को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसे एक बार व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख लीजिए दोस्तों नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। सिंपली आप देख सकते हैं आपको नीचे सभी जानकारी को फिल करते हुए आना होगा। चूज पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सभी बॉक्स को टिक करते हुए नीचे आना होगा और इस कैप्चर को फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सिंपली प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद शुरू से अंत तक जो भी जानकारी भरे होंगे सौ की जगह आपको फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली फाइनली सबमिट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके ऊपर पेमेंट लागू होता है तो यहाँ पे पेमेंट का डैशबोर्ड खुलेगा नहीं तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट का डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई क्यूआर कोड जिस भी माध्यम का सहारा लेकर आप पेमेंट जमा करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा जिसे निकालकर हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के फॉर्म की जानकारी के साथ।